जी बहुत शुक्रिया जी। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप आज काबीना में तशरीफ़ लाए, तमाम मेंबर्स का, तमाम गवर्नमेंट ऑफिशल्स का। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सऊदी अरब का एक डेलीगेशन आया था और इस काबीना की मीटिंग के बाद मैंने एक स्पेशल मीटिंग बुलाई है उन तमाम ऑनरेबल मेंबर्स की, गवर्नमेंट ऑफिशल्स की, जिन्होंने बेपनाह मेहनत की है और इसको कामयाब बनाने के लिए। मैं बिला खौफ तरदीद आपको कह सकता हूँ कि कल जो मेहमान खसूसी थे, जो हेड थे डेलीगेशन के, खाने पे जितनी तारीफ़ उन्होंने आप लोगों की है, मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया। मैंने कभी ज़िंदगी में इस तरह के अल्फाज और इतनी गर्मजोशी के साथ मैंने शायद सुने हों किसी गैर मुल्की मेहमान से या एक ब्रादर मुल्की मेहमान से। और वो बड़ा, उनका जो डेलीगेशन का हेड था वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी, उसने टेक्सास से अंडरग्रेड किया, मास्टर्स किया, बहुत लायक फायक आदमी और वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, मैं उनको पहले भी मिला हूँ। तो उन्होंने आप लोगों की जो तारीफ़ की और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म कल जब हमारा ये इंटरेक्शन हो रहा था तो आपके वज़रा वहाँ पर ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर मौजूद थे, वो हर कदम पर गाइड कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे, कि ये हमारे लिए एक बहुत खुशगवार हैरानगी थी। इस तरह का तजुर्बा हमने पहले कभी नहीं देखा। और उनका कि हम इंतहाई मुतमईन हैं, बहुत सेटिस्फाइड है और बड़ी खुशी के साथ हम वापस जा रहे हैं। और उसने कहा कि मैं जाके रिपोर्ट करूँगा कि हमने तो पाकिस्तान में एक नया दौर देखा है, कि वहाँ पर हमारी इंटरेक्शन हुई है, B2B सेक्टोरल रिव्यूज़ हुए, प्लेनरी सेशन हुआ, और जिस तैयारी के साथ और जिस एतमाद के साथ आपकी टीम ने वहाँ पर प्रेजेंटेशन दी हैं, और फिर जो लम्हे ब लम्हे उन्हें हर चीज़ का फॉलोअप किया, कोऑर्डिनेशन, कैन दिस वाज एब्सोल्युटली अ ग्रेट एंड इंकरेजिंग न्यूज़ फॉर अस। तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें कॉमर्स मिनिस्टर का बहुत इसमें इम्पोर्टेंट रोल है, इसमें मिनिस्टर पेट्रोलियम का, मिनिस्टर फाइनेंस का, इसमें सेक्रेटरीज का, मिनिस्टर एविएशन का, इसमें पावर का, आपने बड़ी बेहतरीन काविशें की हैं और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर दिस विद यू। आई थिंक येस्टरडे वॉज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी। ही मेड माई माई इवनिंग। आई थिंक ही मेड टू द क्राउन प्रिंस एंड टू ऑल हिज कॉलीग्स। तो आई थिंक इट ऑगस वेरी वेल फॉर आवर फ्यूचर। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और आपको तवानाई दे और कमिटमेंट में आप में पैदा करे कि आप इस मुल्क की भरपूर खिदमत कर सकें। थैंक यू वेरी मच।